इंग्लिश पेडागोजी फॉर सीटेड क्लास टू फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कक्षा पांच के बच्चों को एक टीचर ने क्या कहा कि भाई जो रीड द टेक्सट थॉरोली एक बार पढ़ लो जो टेक्स्ट है जो भी एक स्टोरी है जो भी एक कहानी है जो भी एक चीज है उसको आप एक बार पढ़ लीजिए थॉरोली देर देंस टू द यानी RTC का मतलब है यहाँ पर विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है जिस संदर्भ में वो टेक्स्ट बात कर रहा हो उसके संदर्भ में उसने फिर क्वेश्चन पूछे किसने टीचर ने ठीक मतलब कि डिटेल्स पूछना चाह रहा है उससे एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड कितने बेहतर तरीके से बच्चों ने समझा है ये जानने की कोशिश कर रही है टीचर या कर रहा है जो भी है ठीक इन दिस प्रोसेस शी इज एनकरेजिंग स्टूडेंट्स फॉर भाई यहां पर वो किसको किस तरीके से एनकरेज कर रही है किस चीज के लिए एनकरेज कर रही है बच्चों को इंटेंसिव रीडिंग के लिए, बिल्कुल सही बात है, तो हो गया, reading, लेकिन थोड़ा जान लेते हैं क्यों हुआ इंटेंसिव रीडिंग तो है मतलब जब आप एक तो इंटेंसिव रीडिंग में टेक्स्ट छोटा रहेगा मतलब बहुत सारी कोई नॉवल्स नहीं पढ़ रहे हैं आप एक साथ छोटा टेक्स्ट होगा कोई स्टोरी हो सकती है कोई और एक पर्टिकुलर चीज हो सकती है जिसमें आप डिटेल्स के लिए पढ़ते हैं स्पेसिफिक डिटेल्स या उसका मीनिंग जो है वो अच्छे से आप जानने के लिए काम करते हैं इंटेंसिव में ठीक है आपको प्रॉपर रेफरेंस में पता होगी कॉन्टेक्स्ट में पता होगी चीजें ना कि सिर्फ जनरल आइडिया हो जो बात यहां पर की, की गई थी दूसरा है एक्सटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग होती है प्लेजर के लिए

आ, ट्रिक कह सकते हो जो याद रखी जा सकती है ज्यादातर सिचुएशंस में जब आप फंसते हैं तो तो प्लेजर के लिए पढ़ा जाता है या फ्री फ्लो में आप अपने विचार या अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए जब पढ़ते हैं तो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है चाहे आप घर पर बैठ के नॉवल पढ़ें या एक्स्ट्रा में नॉलेज के लिए कुछ भी पढ़ें ठीक स्किमिंग है जब आप मक्खन निकालना चाहते हैं एक तरीके से मतलब जनरल आइडिया लेना चाहते हैं जैसे आपको पैराग्राफ पढ़ के पेपर में होता नहीं था बचपन में या अभी भी शायद कहीं देखने को मिलता हो तो कि आपको एक अनसीन पैसेज दे दिया और कहा इसका टाइटल टाइटल बताओ अब वो जो बताओगे आप एक जनरल आइडिया लोगे उसका जरूरी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जाओगे ठीक जब आप एक जनरल आइडिया या समरी के लिए पढ़ते हैं ठीक जनरल आइडिया या समरी के लिए जब आप पढ़ते हैं तो ये है आपकी स्किमिंग रीडिंग की सब स्किल्स हैं ठीक स्कैनिंग क्या है स्कैनिंग कंपेरेटिवली वर्ड टू वर्ड कह लीजिए या फिर वर्ड टू वर्ड तो शायद गलत होगा लेकिन आप इस तरीके से पढ़ते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ रहे हैं कि आपको मान लो आप क्वेश्चन सर्च कर रहे थे आपने देखा क्वेश्चन ये पूछा है आप पैराग्राफ पढ़ेंगे अब उस क्वेश्चन में जो पूछा गया है पर्टिकुलर स्पेसिफिक विशिष्ट चीज उसको ढूंढेंगे पैराग्राफ में तब ये स्कैनिंग कहलाएगा लेकिन जब आपसे कहते हैं जनरल जनरलाइजेशन या समरी बता दो इसकी या फिर एक इसको टाइटल दे दो तो उसके लिए फिर आप करते हैं जैसे मक्खन निकाल लिया हो दूध में से बाकी तो आएंगी आगे भी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर भी होगा और जितनी बार रिविजन भी होता है क्योंकि टॉपिक्स आपके सेम ही है द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विद भाई कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट का जो एसोसिएशन है या संबंध है वो किस एक व्यक्ति से है इन चार ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है आपके सामने नॉम चोम की जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेड की बात करते हैं कि बच्चों में भाषा अर्जन की आंतरिक क्षमता होती है जन्मजात क्षमता होती है ये नॉम चॉम्स कहते हैं दूसरा है जेम्स एशर फिर है लेव वैगॉस की थर्ड वन लास्ट वन इज स्टीफन क्रैशन तो स्टीफन क्रैशन का कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट एक हाइपोथेसिस है जिसमें वो ये बात करते हैं कि आप बच्चे के लेवल से थोड़ा सा जो करंट लेवल है उससे थोड़ा सा प्लस वन करके आप एक इनपुट दीजिए जिससे वो थोड़ी सी और मेहनत करे या थोड़ा सा उसको दिमाग लगाना पड़े उस एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए तो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट मतलब समझ तो पाए लेकिन उसके लेवल से थोड़ा सा ऊपर यह है इनकी हाइपोथेसिस जिसमें उन्होंने पांच हाइपोथेसिस की बात की है स्टीफन क्रैशन ने सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की हाइपोथेसिस है कि आप दूसरी भाषा को भी एक्वायर करा सकते हैं एक्वायर करने का मतलब क्या है एक्वायर करने का मतलब है आप जैसे पहली लैंग्वेज को एक्वायर अधिग्रहण कर लेते हैं वैसे ही आप दूसरी भाषा को भी कर सकते हैं यदि आपको वो एनवायरमेंट मिले कैसे देख लेते हैं पहला था इनका एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस मतलब सबकॉन्शियस लेवल पर एक्विजिशन हो सकता है और लर्निंग कैसे होती है फॉर्मल इंस्ट्रक्शन में जब आप किताबों के थ्रू पढ़ा रहे हैं ग्रामर और ये वो सारी चीजें तब आप लर्निंग करा रहे हैं एक्विजिशन नेचुरल तरीके से हो जाता है जैसे आप अपनी मातृभाषा को एक्वायर कर लेते हैं ना कि आपको उसको रटने की या किताब लेके तो कोई बोलना नहीं सिखाता ना आपको आप सीख जाते हैं नेचुरली जो भी आपकी मातृभाषा होती है ठीक है इसके अलावा मॉनिटर हाइपोथिस सेकेंड जिसमें मॉनिटर किया जाता है आप किस या बीच में एडिट किया जाएगा जो भी आपके वहां पे सराउंडिंग में व्यक्ति होगा कि आप कहां क्या बोल रहे हैं फिर है आपका थर्ड नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को इग्नोर करके नेचुरल ऑर्डर में बहने दिया जाता है आप जैसे बोल पा रहे हैं इनपुट हाइपोथेसिस है वही जिसकी हम बात कर रहे थे प्लस वन करके आप इनपुट देते हैं मतलब टीचर जो है वो इनपुट देगा जो थोड़ा सा बच्चे के करंट लेवल से ऊपर होगा ताकि वो वहां तक पहुंच पाए ठीक अफेक्टिव फिल्टर होता है आपके इमोशंस भी अगर आप पहले से ही नर्वस हैं नई भाषा को सीखने में तो प्रॉब्लम आएगी तो आपके जो इमोशंस हैं वो भी बहुत बड़ा मोटिवेशन का रोल प्ले करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस एंग्जाइटी इन सब चीजों में रोल प्ले करते हैं ये इनपुट हाइपोथेसिस है जो बच्चे का करंट लेवल है ये पूछा जाता है जो करंट लेवल है उससे प्लस वन करके आप एक इनपुट दे रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग इनमें से कौन सी एक सब स्किल नहीं है रीडिंग की रीडिंग मतलब पढ़ने की सब स्किल बहुत सारी सब स्किल्स हैं रीडिंग की और उसी तरीके से राइटिंग की भी होती हैं तो रीडिंग की कौन सी एक सब स्किल नहीं है ठीक है देखते हैं एक बार सब स्किल ऑफ रीडिंग ठीक है पहला है सिंथेसाइजिंग मतलब सिंथेसिस मतलब एक जगह पे रख करके क्रिएट करना या फिर ट्रांसक्रिप्टिंग कनेक्टिंग यार प्रोडिक्टिंग तो क्लियरली रीडिंग की सब स्किल है कितनी बार पूछा गया पेपर में जब आप खुद सोचो ना जब आप पढ़ रहे होते हो, जैसे आप अभी पढ़ रहे थे, आप करते रहते हैं साथ में या कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली अच्छा, तो तो कनेक्ट है, करते हैं आप डॉट्स को बिल्कुल ठीक बात है सिंथेसाइज मतलब आप जोड़ते हैं और एक नया मीनिंग क्रिएट कर पाते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ट्रांसक्रिप्टिंग जो है वो एक सिस्टमेटिक यूज ऑफ लैंग्वेज है जो रिटर्न फॉर्म में होती है यानी राइटिंग का सब स्किल होगा ये ना कि रीडिंग का तो ये बेसिक चीज है इसलिए ये आंसर यहां नहीं होगा इसके अलावा इंटेंसिव एक्सटेंसिव स्कैनिंग स्किमिंग ये सब क्या है सब स्किल्स ही हैं किसकी रीडिंग की विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन एनहेंसिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन भाई आपको स्पीकिंग स्किल्स को एनहेंस करना है बेहतर करना है तो इसके लिए बेस्ट या लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा बेस्ट नहीं लीस्ट या नॉट कह सकते हो अब यहाँ पे आप इन चार ऑप्शन में से सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या है यदि आप मौखिक अभिव्यक्ति बच्चों की सुधरवाना चाहते हैं ए है आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन मतलब कि जो जिनका उत्तर ना क्लोज है येस और नो में है, है ना ये कह सकते हैं जिनमें बहुत ज्यादा सोचने की अभिव्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती जिनमें बहुत लंबा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना जैसे आपको कह दिया जाए इन चार में से एक ऑप्शन सही बताओ कौन सा होगा तो आपको एक चूज करना होगा बहुत ज्यादा आप एक्सप्लेन करेंगे नहीं ठीक तो क्लोज एंडेड जब आप पूछते हैं तो बच्चों को ज्यादा बोलने का मौका तो मिलेगा नहीं तो बात तो ठीक ही है फिर भी तीन ऑप्शन तो पढ़ेंगे इसके आगे के ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन ऑन अ टॉपिक यहां तो बोलने का मौका मिलेगा और जब मौका मिलेगा तो स्पीकिंग स्किल अपने आप बेहतर होगी लिसनिंग पेशेंटली टू चिल्ड्रंस टॉक अब आप बेहतर बोल पाए इसके लिए जरूरी है कि आप बेहतर लिसनर भी हो सुन भी पाए आप अच्छे से फिर है गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देअर फीलिंग्स एंड आइडियाज फिर से यहां पे मौखिक अभिव्यक्ति की डिवेलपमेंट होगा विकास होगा लेकिन ए ऑप्शन जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछना या फिर कन्वर्जेंट वाले थिंकिंग वाले क्वेश्चन पूछना येस और नो के फिलिंदा ब्लैंक्स इस तरीके के क्वेश्चन पूछना वो स्पीकिंग स्किल को एनहेंस नहीं करेंगे फोर्थ का ए ऑप्शन या लीस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक चीज में फिफ्थ क्वेश्चन है एट प्राइमरी लेवल लिटरेचर इज हेल्पफुल

या ये बेसिक प्राइमरी स्किल्स को डेवलप अगर कराना था तो बच्चे जो टीचर है वहां क्लास में आके नहीं पहले ट्रेनिंग में अपनी या पढ़ाई के दौरान करके आया होगा एटलीस्ट टीचर तो मेन जो फोकस रहेगा पे लर्नर की बात हुई अगर आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं तो टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात नहीं हुई है यहाँ ठीक है तो ये फर्स्ट जो आंसर है वो सूट नहीं करता फिर है इट इज अ गुड बेसिस फॉर ओनली एक्सपेंशन ऑफ वोकेबलरी ओनली एक्सप्रेशन ये जो ओनली वाले या सिर्फ और सिर्फ एक तरफ ले जाने वाले ऑप्शन होते हैं ये ज्यादातर नेगेटिव होते हैं ठीक मतलब ये एक अच्छा तरीका है कि आपकी वोकैब का एक्सपेंशन हो पाए और भी तरीके हैं वोकैब के रट्टे लगवा दो डायरेक्ट फिर है इट एनकरेजेस द लर्नर्स टू कंप्लीट द वर्कशीट बेस्ड ऑन इट मतलब जो लर्नर्स की वर्कशीट्स हैं उनको कंप्लीट करने का एक बेहतर तरीका है इट इज एन ऑथेंटिक मटीरियल कवरिंग वेरियस जॉनर्स बिल्कुल सही बात है जो बहुत सारे जॉनर हैं अलग अलग जॉनरार हैं उनको कवर करता है लिटरेचर जिसमें कहीं पे बात कुछ ऐसी चल रही होगी जिसमें आप हिस्ट्री के बारे में कुछ बता रहे हैं कोई और कुछ होगा साहित्य में बहुत सारी विधाएं होती हैं बेसिकली तो आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा कि ऑथेंटिक मटीरियल होता है एक तो लिटरेचर बच्चों के लिए सिक्स क्वेश्चन है आ टीचर प्रपेयर्स आ वर्कशीट एंड रिमूव एवरी सेवंथ वर्ड अब आपको पता लग पा रहा होगा अगर आप लोग जुड़े हुए हैं पिछले तीन चार वीडियो से कि हिंदी और इंग्लिश की पैडोलॉजी में बहुत सारी चीजें कॉमन आती हैं ठीक है तो पहला अगर आपके आ, सामने जो ये बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है कि एक टीचर ने प्रिपेयर की एक वर्कशीट एक वर्कशीट तैयार की बच्चों के लिए जिसको वो हल करेंगे या सॉल्व करेंगे एंड रिमूव एवरी सेवंथ वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट ये मान लो जैसे ये एक टेक्स्ट है ये जो दिया हुआ है हर सातवें वर्ड को मैं रिमूव कर दूं ये कोई स्टोरी है ये कोई एक कंप्लीट करना है सेंटेंस हर सातवें वर्ड को मैंने रिमूव कर दिया तो देन शी आस्क्स द लर्नर टू रीड द टेक्स्ट आफ्टर दैट दे वर आस्क टू कंप्लीट द वर्कशीट विद मिसिंग वर्ड द टास्क गिवन गिवन ऑन द वर्कशीट इज अ मतलब की बात क्या हुई घुमा फिरा करके एक टीचर ने वर्कशीट प्रोवाइड की जिसमें उसने हर सातवें वर्ड को हटा दिया उसके बाद उसने बच्चों से पूछा कि पढ़ो एक बार टेक्स्ट को और कंप्लीट करो वर्कशीट को जहां पर भी मिसिंग वर्ड्स हैं ठीक ये अभी हमने डिस्कस किया था दो तीन दिन पहले हिंदी में सेम क्वेश्चन क्लॉज टेस्ट कहलाता है चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो जब आप कंप्लीट करते हैं किसी कहानी को किसी सेंटेंस को जहां पे वर्ड्स मिसिंग होते हैं तो क्लॉज टेस्ट सिंपल है ये बिल्कुल सेवंथ क्वेश्चन है लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी मीन्स दट अभी क्वेश्चन भी एक दो बार तो पूछा ही है और ये बड़ा फैक्चुअल सा क्वेश्चन है लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ विशेषताएं होती हैं कि लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्ट होती है आर्बिट्रेरी होती, होती है तो इस एक कॉन्टेक्स्ट में आर्बिट्रेरी होना लैंग्वेज का क्या मतलब निकल के आता है कि लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है यानी वन uh, एंडेड कह सकते हो वन साइडेड कह सकते हो या लॉजिक क्यों नहीं है कहीं पर बताएं एक बार आंसर कीजिए

क्या होगा ये इस इसका बेस्ड लिखे होने से उस मीनिंग का कोई लॉजिकल संबंध नहीं होता ठीक है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम जाते हैं इसलिए कोई इनहेरेंट रिलेशन नहीं होता वर्ड्स जो लिखे जाते हैं और उनके मीनिंग में इसीलिए इसको आर्बिट्रेरी कहते हैं नॉट सोलॉजिकल रिलेशन जिसको हम कह सकते हैं टीचर ऑब्जर्व दैट प्रवीण कुड नॉट राइट अ पैराग्राफ ऑन हर ओन इवन आफ्टर ब्रेन द टॉपिक भाई एक टीचर ने ये देखा या ऑब्जर्व किया अवलोकन किया कि प्रवीण कोई बच्ची है या बच्चा है वो एक पैराग्राफ को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है लिख नहीं पा रहा अपने आप ब्रेन नहीं कर पा रहा मतलब उस पर विचार नहीं कर पा रहा फिर हाउ एवर शी वॉज एबल टू राइट इट अंडर अडल्ट और पियर गाइडेंस लेकिन अगर टीचर उसके साथ बैठा हो या उसका कोई पियर बैठा हो उसका भाई बहन बैठा हो जो उससे ज्यादा जानता है या उसके साथ वो लिख पाता है उसकी मदद से तो ये जो गाइडेंस है ये जो गाइडेंस है ये क्या कहेंगे वाइगॉस का सिंपल स्कैप फोल्डिंग लगेगा इसीलिए कहा जाता है कि आप सी डी बहुत अच्छे से करिए ताकि आपको हर सब्जेक्ट की पैडोलॉजी में हेल्प मिले प्याज वाइगॉस की ऑलमोस्ट हर जगह देख सकते हो आप ये स्कैप फोल्डिंग है मचान है टेम्परेरी हेल्प कहते हैं उसको ठीक है बाकी की तीनों चीजें क्लियरली नहीं है टीम टीचिंग कहते हैं जब मल्टीपल टीचर से एक साथ आकर के पढ़ाते हैं काउंसलिंग जब आप दिशा निर्देशन कर रहे हैं बच्चे का सोशलाइजिंग यानी कि सामाजिकरण ठीक है ए ऑप्शन होगा सिंपल द पर्पज ऑफ टेक्सुअल एक्सरसाइज इज नॉट टू रिलेटेड जो भी आपने एक स्टोरी पढ़ाई पढ़ा उसके साथ एक्सरसाइज एक एक दी जाती है उसका परपज क्या नहीं है नॉट पूछा है। पहला है आंसर क्वेश्चन याद करवा दिए जाए उन क्वेश्चन के आंसर जो टेक्स्ट में दिए हुए थे लैंग्वेज uh, लर्निंग है भाषा को सीखने के लिए एक्सपोजर बढ़े या फिर डिवेलप क्रिएटिविटी अमॉन्ग लर्नर्स क्रिएटिविटी बढ़े या फिर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस यानी कि अपॉर्चुनिटी मिले बच्चों को एक्सप्रेस करने की अब क्वेश्चन में नॉट पूछा है नॉट का मतलब है सिंपल कि याद करवाने के लिए तो वो पीछे क्वेश्चन नहीं दिए जाते अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर हुई है बच्चे की वो कितना समझ पाया उस चैप्टर को इसलिए वो क्वेश्चन दिए जाते हैं जो टेक्स्ट के पीछे होते हैं ना चैप्टर के पीछे दिए हुए वो क्वेश्चन एक्साइज में दिए हुए होते हैं इन द मल्टीलिंग बहुभाषी शिक्षा में जो फिक्स ही होता है एक से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के जहां अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं अलग अलग मदर टंग है जिनकी कोई मराठी बोलता होगा कोई गुजराती बोलता होगा कोई पंजाबी बोलता होगा कोई हरियाणवी बोलता होगा ठीक तो इन द मल्टीलिंग क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं वो पहला है ओनली इन द लैंग्वेज प्रेस्क्राइब्ड इन थ्री लैंग्वेज फॉर्मुला जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला कोठारी आयोग ने जिसकी बात की थी सिक्सटी फोर सिक्सटी सिक्स में भाई जो आपकी एक पहले तो मदर टंग में इंस्ट्रक्शन हो उसके अलावा आपकी एक इंग्लिश जो है लैंग्वेज उसके अलावा आपकी ऑफिशियल जो सॉरी जो अपनी हिंदी है वो हो ठीक इसमें थोड़े से और फेरबदल हैं वो आप थ्री लैंग्वेज फॉर्मुला आई थिंक मैंने एनसीएफ में डिस्कस किया हुआ है किसी और दिन भी कर लेंगे। Second है है जिस language से टीचर फैमिलियर हो, तो के के अनुसार अनुसार नहीं चलेगी चलेगी। ना। कक्षा जो है वो बच्चों के अनुसार चलेगी। फिर है इन द मीडियम ऑफ फॉलोड बाय द स्कूल जो स्कूल ने मीडियम फॉलो किया हुआ हो जी नहीं हम प्राइमरी लेवल पर या प्राथमिक स्तर पर या मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में स्पेशली आप बच्चे की भाषा को क्या देंगे जो उसकी मदर टंग है जो उसकी मातृभाषा है उसको इंपॉर्टेंस देंगे तो आप मौका देंगे उनको इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज एक से ज्यादा भाषाओं के वर्ड वो मिक्स करके बोल सकते हैं अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा डी ऑप्शन